हेलो, मैं हूँ चंदन कुमार और इस वीडियो में बताने वाले हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। ठीक, और एक्सरसाइज है ये 75। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव बीन। शैल या विल होगा, उसके बाद हैव बीन सभी में होगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप होगा, फिर वाई प्लस एजेंट का प्रयोग करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला सेंटेंस है आई शैल हैव टॉट हिम। ठीक है, क्या है तो आई शैल हैव टॉट हिम। तो इसका पैसिव वॉइस में क्या होगा, तो हिम को बदल देंगे तो ही हो जाएगा, तो ही के साथ विल का प्रयोग होता है, ही विल और हैव बीन टॉट बाय मी। नेक्स्ट है सी विल हैव कंप्लीटेड द वर्क। द वर्क से बनाएंगे द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय हर, क्योंकि सी को बदल देंगे तो हर हो जाएगा। नेक्स्ट है द पुलिस विल हैव अरेस्टेड द थीफ। ठीक है, तो द थीफ से बनाएंगे द थीफ विल हैव बीन अरेस्टेड और बाय द पुलिस का प्रयोग नहीं करेंगे इसमें। चौथा है वी शैल हैव बॉट द बुक्स। द बुक से बनाएंगे तो द बुक्स विल हैव बीन बॉट बाय अस, क्योंकि यहाँ पे वी है तो अस हो जाएगा। नेक्स्ट है दे विल हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम से बनाएंगे तो जाएगा द प्रॉब्लम विल हैव बीन सॉल्व बाय देम। फिर नेक्स्ट है सी विल हैव चीटेड यू, तो जाएगा यू विल हैव बीन चीटेड बाय हर। फिर नेक्स्ट ही विल हैव बीन फाउंड मी, तो आई से बनाएंगे तो आई शैल हैव बीन इनफॉर्म्ड बाय हिम। नेक्स्ट है दे विल हैव किल्ड द टाइगर। द टाइगर से बनाएंगे तो जाएगा द टाइगर विल हैव बीन, द टाइगर विल हैव बीन किल्ड बाय देम। फिर नेक्स्ट है माय फादर विल हैव बॉट ए कार, ए कार से बना लेंगे तो ए कार विल हैव बीन बॉट बाय माय फादर। नेक्स्ट है द चिल्ड्रेन विल हैव ईटन द केक। द केक से बना लेंगे तो द केक्स विल हैव बीन ईटन बाय द चिल्ड्रेन। फिर नेक्स्ट द रॉबर्स विल हैव रॉब्ड हिम, तो हिम से बनाएंगे तो हिम का क्या हो जाएगा, ही विल हैव बीन रॉब्ड और बाय द रॉबर्स नहीं लिखेंगे इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट आई शैल हैव प्रूव्ड इट, तो इट का इट ही रह जाता है, इट विल हैव बीन, इट विल हैव बीन प्रूव्ड बाय मी। फिर नेक्स्ट क्या करा है कि दे विल हैव चीटेड आवर फ्रेंड्स, तो आवर फ्रेंड्स से बनाएंगे तो आवर फ्रेंड्स, ठीक है, विल हैव बीन चीटेड बाय देम। नेक्स्ट है द दे विल हैव डिस्कस्ड द मैटर। द मैटर से बनाएंगे तो द मैटर विल हैव बीन डिस्कस्ड बाय देम, इसमें नहीं प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट है दे विल हैव बिल्ट द रोड। दे विल हैव बिल्ट द रोड बाय मार्च, तो यहाँ से बना लेंगे द रोड से, तो द रोड विल हैव बीन बिल्ट बाय मार्च, क्या रहेगा द रोड विल, द रोड विल हैव बीन बिल्ट बाय मार्च। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना, ये चैप्टर खत्म हो गया। इस चैप्टर के तहत जितना भी, यानी कि वॉइस में जितने भी चैप्टर थे वो सभी को अब तक कंप्लीट कर दिए हैं। अब इसके बाद जो दूसरे चैप्टर स्टार्ट होगा वो फिर अगले वीडियो में, तब तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।